सब्सक्राइब करें हमारे कलाकोश चैनल को एंड हिट करें बेल आइकन को ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलाकोश। दोस्तों काफी देर से मैं परेशान हूँ इस बॉटल को लेके, देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इससे क्या क्राफ्ट बनाया जाए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या आपके पास कोई आइडिया है? इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक बॉटल, एक नाइफ, व्हाइट एमसेल, परमानेंट मार्कर, कुछ फैब्रिक कलर्स, पेंट ब्रश, गुगली आई, मैच स्टिक और एक ग्लू। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लास्टिक बॉटल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परमानेंट मार्कर की मदद से, और फिर इसे नाइफ की मदद से हम इसे काट लेंगे। बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी नाइफ का इस्तेमाल करेंगे अपने बड़ों की मदद ज़रूर लें, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा खतरनाक है, इससे हमारे हाथ भी कट सकते हैं। ये मेरा बॉटल कट चुका है, अब दूसरे हिस्से को हम कर देंगे साइड में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इस हिस्से को अगर आपने और अच्छे से शेप देना तो हम इसे सीजर की मदद से हम इसे और अच्छे तरीके से काट लेते हैं। ये मेरा इतना हिस्सा कट कर रेडी है। कटने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम लेंगे रेड फैब्रिक कलर, ब्लैक फैब्रिक कलर और पेंट ब्रश की मदद से अब हम इसे अंदर की तरफ से कलर करेंगे। हम अच्छे तरीके से कलर करेंगे, कहीं भी कलर छूटना नहीं चाहिए। ये कलर होने के बाद बाहर से कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम लेंगे ब्लैक कलर जिससे हम इसके ऊपर बनाएंगे कुछ छोटे छोटे सर्कल्स। अब ये कलर होने के बाद हम इसे सूखने के लिए एक तरफ रख देंगे। तो हम लेंगे व्हाइट एमसेल, इसके दोनों पैकेट्स में अलग अलग मटेरियल्स हैं। अब इन दोनों मटेरियल्स को इक्वली हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। यदि अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ तो इसे ड्राई करने में काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर इसे हम एक लड्डू के शेप में बनाएंगे। और हम लेंगे मैस्टिक जिसके निचले हिस्से में थोड़ा तोड़ देंगे इसे ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, और इसे हम इस व्हाइट एमसेल के बॉल में लगा देंगे। कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब हम इसके ऊपर इसे कुछ अच्छे तरीके से अच्छे से हम इसे पीछे की तरफ चिपका देंगे, अच्छे से चिपक जाए तो इसे
से हम जी हाँ ये देखिए मैंने इसे चिपका दिया है। चिपकने के बाद कुछ इस तरीके से अब इसे हम छोड़ देते हैं सूखने के लिए। इसके नीचे मैं रख देता हूँ टिश्यू और ये अब सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और जो भी व्हाइट एमसिल का हिस्सा है इसमें हम लोग पूरी तरीके से कलर करेंगे, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। और जो मैच स्टिक है हमारे पास इसे भी हम ब्लैक कर देंगे। ड्राई हो जाए तो हम लेंगे गुगली आई, उसे ग्लू की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। मेरा गुगली आई लग चुका है और गुगली आई लगाते ही ये हमारा लेडी बग बनके तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।